बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। लाइब्रेरी वॉइस के नॉवेल देवी में आप सबको खुशामदीद। वीडियो की तरफ आने से पहले लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी ऑडियंस से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नॉवेल देवी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। रुस्तम के कानों में मालिना के वो अल्फाज गूंजने लगे जो चार दिन पहले उसने अजीब जज्बाती अंदाज में कहे थे। उसने रुस्तम का बाजू थाम कर कहा था, थैंक यू रुस्तम। ये थैंक यू उस कोशिश के लिए था जो रुस्तम ने मालिना की जान बचाने के लिए की थी। वो कुल्हाड़ी सौंध कर दीवानावार शौतम के सामने आ गया था, लेकिन उस कोशिश के तो फैल मालिना की ज़िंदगी में बस चार पाँच दिन का इजाफा ही हो सका। आज उसके सांस पूरे हो गए थे। कुछ ही देर बाद मजीद रस्से किनारे से इस चट्टान तक झूलने लगे। कुछ माहिर पाउंदे इन रस्सों के जरिए नीचे उतर रहे थे। करीबन दो घंटे बाद वो चारों के चारों ऊपर किनारे पर पहुंच चुके थे। रुस्तम किनारे पर आने वाला आखिरी शख्स था। जिस रस्से के जरिए उसे ऊपर खींचा गया था वो अभी तक उसके कंधों और कमर से लिपटा हुआ था। उसके इर्द गिर्द दर्जनों करख चेहरे वाले राइफल बरदार थे। रुस्तम ने मुड़कर दूर नशेब में देखा। धूप खूब चमक रही थी, नीचे दूर तक दिखाई दे रहा था। बर्फ़ की सफ़ेद चादर में उससे दाएं जानब जो स्याही माइल धब्बा नजर आ रहा था वो जॉनसन की लाश थी। आंकड़ा निकलने के बाद वो करीबन 1.5-2 हज़ार फुट नीचे गिरा था और उसके आज़ा शायद मुर्गे जनी के परों की तरह ही बिखर गए थे। यहाँ पास ही एक और स्याह धब्बा भी मौजूद था। वो बहुत गौर से देखने के बाद ही दिखाई देता था। ये डॉक्टर मालिना की लाश थी। रुस्तम वगैरह को ऊपर लाने से पहले पाउंदों ने मालिना की लाश को बेदर्दी से नीचे लुढ़का दिया था। रुस्तम ने एक आह भर कर रुख फेर लिया। सामने एक स्ट्रेचरनुमा तख्ते पर शरीफ का नीम बेहोश जिस्म पड़ा था। उसके जिस्म के गिर्द रस्सियाँ लिपटी हुई थीं। सर्दी से वो सफ़ेद पड़ रहा था। जूँ ही रुस्तम ऊपर पहुंचा, कहर आलूद निगाहों ने उसका अहाता कर लिया। ताहम बर्क जानों से इर्द गिर्द नजर नहीं आया। रुस्तम ने वास को मुखातिब करते हुए कहा, हमारे इस साथी की हालत ठीक नहीं, इसे इलाज की ज़रूरत है। तुमने इसे यहाँ लाकर सर्दी में फेंक दिया है। वास ने रुस्तम की फिक्रों का तर्जमा करके बर्क के एक दराज कद साथी तक पहुँचाया। जवाब में खासा सख्त रद्द अमल जाहिर किया गया। दराज का शख्स ने आतिशफिशां लहजा इख्तियार किया। गालिबन रुस्तम और उसके साथियों को गालियां वगैरह दी गई थीं। नासिर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो वास से मुखातिब होकर बोला, हमें इस साथी की ज़िंदगी का ख्याल ना होता तो तुम इतनी आसानी से हमारे हथियार ना रखवा सकते। अब इसकी सलामती की जिम्मेदारी तुम पर है, इसकी हालत ठीक नहीं है। नासिर ने अपनी आहिनी बेड़ी को घसीटते हुए शरीफ की तरफ बढ़ना चाहा तो एक हट्टे कट्टे शख्स ने उसे जोर से धक्का दिया। नासिर गिर गया। फिर वो शख्स फनकारता हुआ नींद बेहोश शरीफ की तरफ बढ़ा, उसकी पसलियों पर बेरहमाना ठोकर लगाई और उसके मुंह पर थूक दिया। ये तनुमंद शख्स वही नेमान था जिसको रीछ के खेल की वजह से रुस्तम के साथ रकाबत थी। यह सारा मंजर रुस्तम के लिए नाकाबले बर्दाश्त था। यकायक वो सब कुछ भूल गया। इर्द गिर्द मौजूद लोगों और उनके मोहलिक असलहे की परवाह किए बगैर वो उकाब की तरह नेमान पर जा पड़ा। उसके सर की तूफानी जर्ब ने नेमान का जबड़ा चटक दिया और वो उछल कर दूर जा गिरा। चंद सेकेंड के अंदर रुस्तम ने उसे रूई की तरह धुनक कर रख दिया और फिर निहायत नफरत से दो मरतबा उसके मुंह पर थूका। नेमान की गर्दन रुस्तम के हाथ के शिकंजे में थी। दफादन बहुत से अफराद रुस्तम पर पिल पड़े, लेकिन वो तो शोला जवाला बन गया था। वो बर्क की तरह तड़प कर हरीफों के नरगे से निकला। इससे पहले कि कोई सूरत हाल को समझता या कुछ कर सकता, रुस्तम ने एक करीब खड़े उमर रसीदा पाउंदे की कमर से छोटे दस्ते की मखसूस कुल्हाड़ी खींच ली। अगले 2-3 मिनट में घमसान का रन पड़ा। नासिर तो पाँव में बेड़ी होने के सबब बेबस हो गया था। रुस्तम बेबस नहीं था, उसने मुजाहमत का हक अदा कर दिया। 5 पाउंदे उसके मुकाबले थे, बाकी सब एक वसी दायरे की शक्ल इख्तियार कर गए थे। वो सब शशदर थे, वो सब के सब पैदाइशी जंगजू लड़ाके थे, लेकिन वो जिसको बरसरे पेकार देख रहे थे वो सबसे जुदा था। वो आसमानी बर्फ की तरह अपने हरीफों के दरमियान चमका और लपका। उसने 3 अफराद को जख्मी करके गिरा दिया, उनमें से एक नेमान भी था। उसकी कुल्हाड़ी और कलाई दोनों टूट गई थी। फिर यूं हुआ कि 7-8 अफराद मजीद लड़ाई में शरीक हो गए और उन्होंने रुस्तम को छाप लिया। रुस्तम बर्फ पर गिर गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से निकल गई। नेमान दर्द और गजब से चिंघाड़ता हुआ रुस्तम पर पिल पड़ा। उसने बाएं हाथ से रुस्तम के जबड़े पर तूफानी मुक्के रसीद किए और उसकी दाढ़ी लहूलुहान कर दी। रुस्तम के लंबे बाल कम से कम 4 हाथों की गिरफ्त में थे। नेमान ने गले से आह की आवाज निकाल कर रुस्तम के चेहरे पर थूकने के लिए लुआब जमा किया। फिर इससे पहले कि वो थूक सकता, एक ठोकर उसके कंधे पर पड़ी। वह रुस्तम की छाती से लुढ़क कर दूर जा गिरा। नेमान को ठोकर रसीद करने वाला बर्क जान ही था। उसकी एक आसीन हवा में झूल रही थी। उसने गरज कर नेमान से कुछ कहा। रुस्तम की समझ में एक दो लफ्ज ही आ सके। गालिबन उसने नेमान से कहा था कि वो शर्म करे,
उसने कई अफराद के साथ मिलकर रुस्तम को पिछाड़ा है। उससे रुस्तम के मुंह पर थूकने का हक तब था जब वो उसे अकेला गिरा था। रुस्तम को जगड़ने वाले अफराद ने उसके पाँव में वही मखसूस बेड़ी पहना दी जिसके शिकंजे से निकलना करीबन नामुमकिन था। मुर्तजिम वास के जरिए बर्ग जान और रुस्तम में जो मुकालमा हुआ वो इस तरह था। बर्ग जान ने रुस्तम को कहर आलूद लहजे में मुखातिब किया, तुमने हमको धोखा दिया, हमने तुम्हें लड़ाई के लिए आज़ाद किया था, तुमने भागने की कोशिश की। मेरी यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, हमें यहाँ 6 महीने से हबसे बेजा में रखा हुआ है जबकि हमारा कोई जुर्म भी नहीं है। यहाँ से निकलने की कोशिश करना हमारा हक है और भागने वालों को सजा देना हमारा हक है। तुम लोगों को 2 दफा माफ किया जा चुका है, अब नहीं किया जाएगा और अब गुंजाइश भी नहीं है। तुम्हारे हाथों एक पहरेदार हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो चुका है, तुम्हें पूरी पूरी सजा मिलेगी। बर्गजान का लहजा आतिशी था। पहरेदार को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था, हमने सिर्फ अपने दिफा में गोली चलाई थी। हमारा निशाना कुत्ते थे लेकिन गोली इत्तफाकन उसे लग गई। जहां तक भागने की बात है, भागने की कोशिश करना हमारा हक है। हम ये हक उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक हमारे जिस्मों में जान है। रुस्तम का आहिनी लहजा और खरी खरी बातें सुनकर बर्गजान खामोश हो गया। वो गहरी नजरों से रुस्तम के सरापे को देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि इस खतरनाक लेकिन बहादुर दुश्मन के साथ क्या सलूक करे। उसकी आंखों से भी शोले निकलते महसूस होते थे, कभी ये आंखें तफक्कुर में खो जाती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, बर्ग जान ने पूछा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन हमारे साथी बीमार है। इसके साथ कम अज कम वो सलूक तो जरूर होना चाहिए जो जख्मी और बीमार दुश्मन के साथ किया जाता है। बर्ग जान चर कदम चलकर आगे आया और तख्ते पर पड़े शरीफ की तरफ मुतवजा हो गया। उसका जायजा लेने के बाद उसने अपने साथियों को कुछ हिदायत जारी की। वो लोग शरीफ को उठाकर रवाना हो गए। नासिर को भी साथ भेज दिया गया। रुस्तम ने जरी को देखा, वो 2 तनोमंद मुजारी औरतों की गिरफ्त में थी और बुरी तरह कसमसा रही थी। उसकी निगाह का मरकज सिर्फ और सिर्फ रुस्तम था। वो उसकी तरफ आना चाह रही थी लेकिन मजबूर थी, औरतें उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गईं। रुस्तम को पाजवाना बस्ती की अकलौती खोह की तरफ रवाना कर दिया गया। उसे ले जाने वालों का रवैया सख्त मुआनदाना था। रुस्तम को खोह के अंदर कहते तन्हाई में रखा गया। ये खोह के अंदर पत्थर की बनी हुई एक निहायत मुख्तसर और तारीख कोठरी थी, बामुश्किल 6x6 फुट की, पानी का एक मटका, एक चटाई और एक फटा पुराना कंबल। यह इस कोठरी का कुल असबाब था। इस कोठरी के अंदर ही गहराई में जाती हुई एक दराड़ सी थी। इस दराड़ को टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस कोठरी की सबसे बड़ी सजा यहाँ की सर्दी थी। रात के वक्त तो ये जगह अक्सर बर्फ खाना बन जाती थी। दरहकीकत यहाँ रात और दिन में तमीज सर्दी में इजाफे और कमी से ही की जा सकती थी। रुस्तम एक दफा पहले भी पूरे 1 माह तक इस कोठरी की सहूलतों से फैजयाब हो चुका था, लेकिन वो ये कोठरी नहीं थी, इस तरह की एक और कोठरी थी। रुस्तम के अंदाजे के मुताबिक ऐसी 3-4 VIP कोठरियां यहाँ मौजूद थी। रुस्तम के कंधे का जख्म फिर हरा हो गया। ऊपर से सर्दी की मार, कोठरी में नमी मौजूद थी जिसके सबब चटाई और कंबल भी नम रहते थे। इस नमी के साथ रात गुजारना पुलसरात पर से गुजरना था और रुस्तम को हर रात ये पुलसरात पार करना पड़ रही थी। उसे अपने साथियों के बारे में कुछ इल्म ना था और न बाहर के हालात के बारे में। भूख, सर्दी और दर्द के ऑक्टोपस अपने दर्जनों बाजू में उसे जकड़े हुए थे। ये अजियत की इंतहा थी। अगर वो इस अजियत को झेल रहा था तो उसकी वजह थी, उसके पीछे कोई तवानाई थी, कोई चेहरा था, एक उम्मीद जो अपने गर्म बाजू में उसे सहारा देती थी और कहती थी, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से निकलना है रुस्तम, क्योंकि कोई तुम्हारा इंतजार करता है। सुरमई शाम, चांदनी रात और चमकीली सुबह में तुम्हें ढूंढता है। तुम्हें उससे मिलना है, कम अज कम एक बार तो जरूर मिलना है, जी भर कर देखना है और फिर आगे जाने की इजाजत लेनी है। शायद पूरे 4 दिन तक एक दाना उड़कर रुस्तम के मुंह में नहीं गया। 4थे दिन जब गालिबन शाम का वक्त था, कोठरी का आहिनी जंग आलू दरवाजा खुला और वास अंदर आ गया। आज वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा और कमजोर नजर आ रहा था। अंदर आकर वास ने दरवाजा बंद कर दिया। शरीफ का क्या हाल है, रुस्तम ने छूटते ही पूछा। उसकी जान बच गई है लेकिन अभी बिस्तर पर ही है, वास ने मध्यम आवाज में जवाब दिया जैसे उसे खतरा हो के आसपास कोई सुन ना ले। वास अपने साथ एक छोटी लालटेन भी लाया था। और नासिर ने शरीफ के साथ बहुत कोशिश की है। यहाँ बर्ग जान के पास कुछ एलोपैथिक दवाएं मौजूद थीं। कुछ दवाएं डॉक्टर मालिना के शोल्डर बैग में थीं। नासिर उन्हीं दवाओं की मदद से कोशिश करता रहा है। इसके अलावा यहाँ के मकामी नबताती दवाएं भी इस्तेमाल होती रही हैं। नासिर अब शरीफ के साथ ही है? नहीं, वास ने मायूसी से सर हिलाया। कल उसे भी तुम्हारी तरह कोठरी में डाल दिया गया है। बाहर के हालात क्या हैं, रुस्तम ने पूछा। तुम अंदर के हालात की बात क्यों नहीं करते, वास की आंखों में आंसू आ गए। मैं ठीक हूँ, मैं जानता हूँ कि लोग यहाँ कितने ठीक कहते हैं, कुछ की तो 2-3 हफ्ते बाद लाश बाहर आ जाती है, वास ने कहा और गुमसुम होकर बैठ गया। सर्दी उसकी कमजोर हड्डियों में उतर रही थी। कुछ देर बाद वो बोला, जी चाहता है कि कुछ देर के लिए अपनी जैकेट उतार कर तुम्हारे कंधों पर डाल दूँ।
कुछ देर के लिए तो तुम्हें आराम हो, लेकिन डर है कि किसी को पता चल जाएगा। हम पहले भी बचकर निकल आए थे, अब भी निकल जाएंगे। तुम इन बातों को छोड़ो वास, मुझे बताओ कि बाहर क्या सूरत हाल रही है। वास ने उल्टे हाथ से आंसू पोंछते हुए कहा, बर्ग जान का पलड़ा भारी रहा है। शोतम खान और अरफा खान को मजीद पीछे धकेल दिया गया है। दर हकीकत वो अब मार्गा के सिर्फ एक चौथाई हिस्से पर रह गए हैं। वहां भी उनके पांव टिकते नजर नहीं आते। बर्ग जान ने अपने दामाद सामी खान को भी उसके बाप की कैद से छुड़ा लिया है। वो सख्त जख्मी हालत में मिला है, तहम जान बच गई है। आम लोगों की क्या राय है? शोतम खान का भांडा बुरी तरह बीच चौराहे पर फूटा है। बेवा औरत और उसकी भांजी ने वादा माफ गवाह बनकर सब कुछ साफ साफ बोल दिया है। शोतम खान ने दोनों औरतों से नाजायज ताल्लुक कायम रखा है। पहले उसका ताल्लुक औरत से था, जिन दिनों वो अपनी खास कैफियत में होता था अग्यारे में जाता था और उस औरत को बुला लेता था। बाद में वो और भी बेबाक हो गया, उसने लड़की से भी ताल्लुक कायम कर लिया। अब सारे सबूत मिल गए हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग शोतम और अरफा का साथ छोड़ गए हैं, जो बाकी हैं वो भी उलझन में होंगे। हमारे बारे में क्या सोचा गया है? रुस्तम ने पूछा। वास खामोशी से सामने सपाट पथरीली दीवार को घूरता रहा। उसके चेहरे पर दर्द की चंद नई लकीरें नमूदार हो गई थीं। क्या कोई बुरी खबर है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये लोग अपने जाब्तों के बड़े सख्त समझे जाते हैं। मुझे यहाँ रहते हुए 12 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। मैंने इससे पहले यहाँ कभी बदअमनी नहीं देखी। अगर ये मालीना वाला वाकया ना होता तो शायद अमनो अमान और इंसाफ का ये भरम और कई बरसों तक बरकरार रहता। मैं नहीं समझता कि बर्गजान तुम्हारे फरार और एक मुहाफिज के कत्ल होने वाले वाक्य को किसी सूरत नजरअंदाज कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अपने करीबी साथियों को जवाब देना पड़ेगा। तुम लोगों को सजा हर सूरत मिलनी है, कम अज कम जिसके हाथों से मुहाफिज को गोली लगी थी उसे तो जरूर मरना पड़ेगा। और गोली मेरे हाथों लगी थी, रुस्तम ने इत्मीनान से कहा। कहीं तुम नासिर या शरीफ को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हो? मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। हाँ, अगर उन दोनों से कोई इल्ज़ाम अपने सर लेगा तो ये झूठ होगा। इस हवाले से उम्मीद की सिर्फ एक किरण है, और ये किरण भी तब बाकी रहेगी जब तुम तीनों में से कोई बेवकूफ़ी करके ये इल्ज़ाम अपने सर ना ले ले। मेरा मतलब आनजहानी जॉनसन से है। अगर दोनों कुत्तों और मुहाफिज की मौत का जिम्मेदार जॉनसन को करार दे दिया जाए तो तुम तीनों के लिए बचाव की कोई राह निकल सकती है, मगर इसका इम्कान भी 10-15% से ज़्यादा नहीं है। जो कुछ यहाँ हुआ है उसके बाद कानून कायदे और सख्त हो गए हैं, शायद तुम्हें मालूम ना हो। 5 दिन पहले होने वाली लड़ाई में 300 के करीब लोग मारे गए हैं, जिनमें 30 के करीब लोगों को मौत की सजा दी गई है और वो इसके अलावा हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है वास, बर्गजान की जाती राय हमारे बारे में कैसी है? तुम तीनों अभी तक जिंदा हो, तुम में से किसी को टिकिया यानी घुटने की टिकिया निकालने की सजा नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि बर्गजान की जाती राय तुम तीनों के बारे में बुरी नहीं है, खास तौर से तुम्हारे बारे में उसकी सोच मुख्तलिफ थी। तुम जीदारी से रीछ के खेल में हिस्सा लेते रहे हो, फिर तुमने जिस तरह हर खतरे को नजरअंदाज करके शोतम का रास्ता रोका था वो उसके दिल पर नक्श है, लेकिन तुम्हारे फरार और मुहाफिज के कत्ल ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। अब यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। रुस्तम ने मौजू बदलते हुए पूछा, जरी तो खैरियत से है? जरी के जिक्र पर वास के दिल पर जैसे तीर सा लगा। एक सेकंड में उसकी आंखें भर आईं। वो अब नहीं बचेगी। क्या कहना चाहते हो? कल जिरगे में 3 गारियों को भेंट चढ़ाने का फैसला हुआ है, उनमें एक जरी भी है। बस्ती के बड़े बूढ़ों का कहना है कि बस्ती पर नहुसत के साए हैं, बदअमनी फैली हुई है, एक दूसरे का खून बहाया जा रहा है। इस आफत को टालने के लिए खसूसी इबादतों और मजहबी रस्मों की जरूरत है। इत्तफाक ये है कि रोशनी का सालाना त्यौहार भी करीब आ रहा है। इस त्यौहार में अमूमन 1 या 2 गारियों को भेंट किया जाता है, लेकिन इस मरतबा 3 लड़कियां जान हारेंगी। जरी शायद इस त्यौहार पर बच जाती, लेकिन 5 दिन पहले जो कुछ हुआ है उसके बाद उसका बचना मुहाल नजर आता है। उसे भेंट में शामिल कर लिया गया है। ये सारी बातें रुस्तम को अजीब सी लग रही थी, जैसे वो कोई कहानी सुन रहा है या फिल्म देख रहा है। जो कुछ भी था ये वीराना मुल्क का हिस्सा था। यहाँ जो कुछ एक कबायली रस्म के नाम पर हो रहा था वो हैरान कुन हद तक बेरहमाना था। क्या यहाँ कभी कोई सहाफी नहीं पहुंचा, कोई तहकीकार, कोई पढ़ा लिखा शख्स जो यहाँ की खुराफात को बाहर की दुनिया पर आश्कार कर सके, जो लोगों को इन पांडों के अजीब व गरीब रहन सहन से आगाह कर सके? रुस्तम को यूं लगा जैसे ये भी पीर कुदरतुल्ला वाली जाहिलियत का ही एक रूप है। ये जाहिलियत और तोहम परस्ती 1000 शाखें दरख्त की तरह है, जिसने हर खतरे और हर मजाक के लोगों पर अपना जहरीला साया फैला रखा है। किस सोच में खो गए? वास ने दिल फिगार आवाज में पूछा। कब है ये त्यौहार? रुस्तम ने पूछा। 3 महीने बाद, लेकिन 10-15 दिन बाद इस त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाएगी। मकामी लोग इस त्यौहार को बहुत अहमियत देते हैं। इसकी तैयारियों का आगाज एक बड़े जलूस की सूरत में किया जाता है। इस मरतबा हालात खराब हैं, मुमकिन है कि जलूस ना निकाला जाए, मगर 10 सुहागने गर्म पानी के चश्मे में नहाकर मुकदस आबू पर अल्पाइन के फूल निछावर करेंगी। ये भी यहाँ की एक रस्म है। लानत है यहाँ की रस्मों पर। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा वास,
क्या वाकई जीती जागती लड़कियों को मजहब के नाम पर ज़बह कर दिया जाता है? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या तुमने मरी के पहाड़ों में गोरे के बंगले के अंदर लोगों को ज़बह होते नहीं देखा था? शायद तुम ठीक कह रहे हो, रुस्तम ने तासुफ से कहा। फिर ज़रा तौकफ से बोला, क्या इन बदकिस्मत लड़कियों को, मेरा मतलब है कि इन्हें गोली मारी जाती है या ज़बह किया जाता है? इनकी गर्दनों पर मुकद्दस कुल्हाड़ी का नीम गोल फल छुरी के अंदाज में जलाया जाता है। शुरू शुरू में यह सब कुछ सरे आम होता था, मगर अब 30-40 बरसों से ये सब कुछ राजधारी से चार दीवारी के अंदर होता है। गारनियों की जान लेने से पहले उनको एक नशावर मशरूब पिला दिया जाता है, वो नी बेहोश हो जाती हैं। बाद अज़ां उनके खून आलूद कपड़ों की नुमाइश की जाती है। लेकिन तुम मुझसे यह सब कुछ पूछकर मेरी अजियत में इजाफा क्यों कर रहे हो? मैं माफ़ी चाहता हूँ वास, मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी भतीजी के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या उसकी जान बचने का कोई रास्ता है? कोई नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, वास ने तासुफ से कहा। और रुस्तम, तुम कर भी क्या सकते हो? तुम तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम बुरी तरह फंस गए हो। शायद तुमने जल्दबाजी से काम लिया है, मैंने तुमसे कहा भी था कि ज़रा तहम्मुल रखो। अगर तुम बर्फ जान की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेते और अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो तुम्हारे लिए हालात मजीद साजगार हो सकते थे, तुम्हें बहुत सी छूटें मिल सकती थी, फिर तुम उन छूटों का फ़ायदा उठाकर किसी और मुनासिब मौके पर कोशिश कर सकते थे। अब देखो, मालीना भी गई, जॉनसन भी मारा गया, मैं भी इस जद में आने से बाल बाल बचा हूँ, और तुम इस चूहे दान में आप हंसे हो। अब तुम उस बेचारी की क्या मदद करोगे? रुस्तम ने सर दीवार से टेक लगाकर एक तवील सांस ली और अपनी कोठरी को देखकर अजीब लहजे में बोला, ये चूहेदान ज्यादा देर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता वास। ये पाउंदे अपनी जंजीरें जितनी भी मोटी कर लें, एक दिन हमने इन्हें तोड़ जाना है। हमारी कोशिश अभी ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई अभी जारी है। तुम हमारी बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें जरी की जान बच सके? नहीं नहीं, तुम भूल रहे हो वास, तुमने एक दफ़ा बताया था कि एक लद्दाखी गारने की जान बख्शी भेंट से चंद दिन पहले हो गई थी, वो कैसे हुआ था? वास चौंक कर रुस्तम की तरफ देखने लगा, फिर बुझे बुझे से लहजे में बोला, वो उम्मीद से हो गई थी। भेंट चढ़ाए जाने के लिए गारनी का कंवारा होना ज़रूरी है। गारनी को छूना एक बहुत बड़ा गुनाह था। इस गुनाह की पादाश में नौजवान पाउंदे को ही नहीं, उसके पूरे घर को मौत का मुँह देखना पड़ा था। उसके माँ बाप और भाई बहनों को मकान के अंदर जिंदा जला दिया गया था। 7 अफराद मौत के घाट उतरे थे। यहाँ किसी गारनी की तरफ नज़रबद से देखना ऐसा भयानक जुर्म है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रुस्तम कुछ देर अजीब नज़रों से वास को देखता रहा, फिर बोला, वास, अगर हम में से कोई जरी के साथ शादी कर ले तो फिर? मेरा मतलब है कि मैं, नासिर या शरीफ। वास ने फटी फटी नज़रों से रुस्तम को देखा, उसका जिस्म लरजने लगा था। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अपने हवास में नहीं हो। मैं अपने हवास में हूँ वास। वास बुदक कर खड़ा हो गया। उसने डरी डरी नज़रों से दरवाजे को देखा, जैसे उसे अंदेशा हो कि कोई उस आहिनी तख्ते के साथ लगा खड़ा होगा। फिर वो रुस्तम की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी बातों में दीवानापन नजर आ रहा है, शायद इस कोठरी का अंधेरा तुम्हारे जहन पर असर कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है वास, तुम मेरी बात पर गौर करना, और अगर इसके अलावा कोई बेहतर रास्ता तुम्हारे जहन में हो तो वो भी मुझे बताना। जरी को मरना नहीं चाहिए। तुम किस दुनिया में बस रहे हो रुस्तम? तुम्हारा क्या ख्याल है कि बर्गजान तुम्हें सही सलामत छोड़ देगा? रुस्तम ने अजीब आहंग में कहा, मैंने भी दुनिया देखी है वास, बर्गजान हमें जिंदा रखेगा और सही सलामत भी रखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो इसके लिए एक दो सख्त शर्तें रखे, और मुझे उम्मीद है कि 4-6 हफ्ते के अंदर वो हमें यहाँ से निकाल कर तुम्हारी मौजूदगी में हमसे बातचीत करेगा। मुझे 95% यकीन है कि ऐसा होगा। रुस्तम के एतमाद ने वास को ज़रा सा मरूब किया। वो उलझी हुई नज़रों से रुस्तम के चेहरे का जायजा लेता रहा। रुस्तम बड़े ईजी मूड में आ गया था। दीवार से टेक लगाते हुए वो बोला, अब तुम बताओ, तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? मेरा मतलब है, तुम्हारे आने का असल मकसद क्या मकसद है? तुम्हारे उस लंबू दादा बर्ग जान को अंदेशा है कि जॉनसन की तरह कुछ और लोग भी होंगे जो यहाँ से चुपके चुपके फरार होने के तरीके सोच रहे होंगे। उसने तुम्हें यह जिम्मेदारी देकर मेरे पास भेजा है कि तुम मुझसे कुछ उगलवाओ। अगर मैं कुछ छुपाने की कोशिश करूँ तो फिर मुझे धमकाओ। नासिर और शरीफ की ज़िंदगी का हवाला देकर मुझे राह रास्त पर लाने की कोशिश करो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वास ने कदर हैरत से रुस्तम को देखा। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला, तुम्हारा अंदाज़ा काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अब बताओ, मैं जाकर उसे क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ पता नहीं। मेरी जान भी ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, रुस्तम ने नहायत संजीदगी से कहा और तब भोले से मुस्कुरा दिया। वास के चेहरे पर भी अभी तक हैरत जमी हुई थी। तुम और नासिर क्या चीज़ हो रुस्तम? मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, वो रोहान सी आवाज़ में बोला। उन दोनों के दरमियान 10-15 मिनट मजीद बातचीत हुई। वास को रुस्तम की हालत इजहार पर बहुत तशवीश हो रही थी, ख़ास तौर से यहाँ की सर्दियों से दहला दिया था। जाते जाते वास ने रुस्तम से कहा, तुम्हारा खाना आज बहाल कर दिया जाएगा,
बल्कि अभी थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। मैं तुम्हें एक अच्छा कंबल भिजवाने की भी कोशिश करूंगा। मेरे हिस्से का कंबल नासिर को भिजवा देना। नहीं, अभी उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है कि 4-5 दिन तक उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। उसके लिए दुआ हो सकती है कि ऊपर वाला उसे हिम्मत दे। और फिर वास अपनी लालटेन की खुशनुमा रोशनी समेत चला गया। रुस्तम इस तारीकी, सीलन और जानलेवा ठंडक में तन्हा रह गया। उसकी दाल रोटी बहाल हो गई थी और एक बुरा भला कंबल भी मिल गया, लेकिन आज़ादी नहीं थी। आज़ादी का दूर दूर तक पता नहीं था। कहते हैं कि कैद तन्हाई इंसान के एहसाब को तोड़ देती है, उसके हवास बिखरने लगते हैं। शायद रुस्तम सियाल के साथ भी ऐसा ही होता, लेकिन वो कोठरी में अकेला नहीं था। रंगवली की रंग रंगीली शानी बीबी उसके साथ थी। वो एक पुरहरारत खुशबू की तरह हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहती थी। उसके साथ बैठकर खाना खाती थी, उसके सर के लिए अपने जानों का तकिया बनाती थी, उसके लंबे बालों में उंगलियां चलाती थी, फिर झुककर उसके कान में सरगोशी करती थी। मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे इश्क करती हूँ, आप भी मुझसे करते हैं ना? हाँ, मैं भी आपसे इश्क करता हूँ, वो कहता था, और उसकी आंखों की नमी उसकी तस्दीक कर देती थी। वो उसकी नम आंखों पर अपने होंठ रखकर उसके ठठरे हुए चेहरे को अपने मेहरबान जिस्म के खम में छुपा लेती थी। रात होती थी और उसकी सर्द कोठरी सर्द तर हो जाती, फिर दिन चढ़ता और थोड़ी सी हरारत लौट आती। हरारत और ठंडक एक दूसरे के ताकुब में रहे। वक्त धीरे धीरे आगे को सिरकता रहा। बाहर क्या हो रहा था उसे कुछ पता नहीं था। बाहर की दुनिया से उसका ताल्लुक बस एक हाथ के जरिए था। ये हाथ उसे दिन में 2 बार खाना पहुंचाता था और 2 बार खाली बर्तन वापस ले जाता था। सिर्फ एक दिन खाना लाने वाले से उसकी थोड़ी सी बात हो पाई थी। वो अच्छा खाना लाया था, रुस्तम के पूछने पर उसने 2-3 फिक्रे बोले। उन फिक्रों में से बस 2-3 अल्फाज ही रुस्तम के समझ में आ सके। उसे अंदाजा हुआ कि बस्ती में रोशनी का त्यौहार करीब आ रहा है और मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं। कभी कभी वो तन्हा बैठा बैठा बेकरार भी हो जाता। उसकी बेपनाह बर्दाश्त में दरारें पैदा हो जाती। वो अपने कफ्स में जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगता। उसका दिल चाहता कि वो इन संगलाख दीवारों को पाश पाश करे, यहाँ से निकले और अपनी बीबी के पास पहुँच जाए। वो बेचैन होकर अपनी मुख्तसर तरीन कोठरी में टहलने लगता। 3 कदम दाएं, 3 कदम बाएं, फिर 3 कदम दाएं, फिर बाएं। सर्दी में गर्मी की जोत जगने लगी थी। खेतों में सरसों खिली हुई थी। गंदम के हरे खोशे आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलने लगे थे। शानी अब रंगवली की हवेली में थी। छोटी चौधरानी बिलाखिर अपने गाँव में वापस आ गई थी। उसे गाँव में वापस लाने और यहाँ उसके कदम जमाने में हाजी हयात का किरदार बहुत अहम था। हाजी हयात ने रुस्तम से दोस्ती का हक अदा कर दिया था और किसी भी मौके पर किसी भी मुश्किल मरहले में शानी को तन्हा नहीं छोड़ा था। हाजी हयात खुलकर तो सामने नहीं आया था, मगर पसे पर्दा शानी को दर्जनों आंखों से देखकर बीसियों हाथों से उसकी मदद करता रहा था। हाजी हयात के अलावा आरिफ कम्बू और अजमल खान ने भी अपना अपना किरदार जाफी शानी से अदा किया था। चौधरी बशीर से शानी की जान इस तरह छूटी थी कि वह तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। चौधरी बशीर अजमल खान के हाथों कत्ल हुआ और उस वक्त कोठी में मौजूद उसके तमाम साथी भी कत्ल हुए। एक शुमाइला रह गई थी। अजमल ने दोबारा जाकर उसका काम भी तमाम कर दिया और हर सबूत वहां से मिटा दिए। चौधरी के कत्ल के खूनी मनाजिर अब भी शानी को जागती आंखों से ख्वाब लगते थे। जिस तरह कभी कभी नाकर्दा जुर्म की सजा मिल जाती है, इसी तरह कभी कभी किया हुआ जुर्म भी आपो आप पसे पर्दा जा सकता है। चौधरी बशीर वाले केस में भी यही हुआ था। सारा इल्जाम चौधरी की हरीफ पार्टी वहादत ग्रुप पर आया था। वहादत ग्रुप ने ये कत्ल नहीं किए थे, लेकिन सारे सबूत और इशारे हैरान कन तौर पर उनके खिलाफ गए और वह धर लिए गए। शायद उनके किसी और भयानक जुर्म की सजा ने उन्हें पुकारा था। कुदरत का निज़ाम कभी कभी ऐसे भी इंसाफ के तकाजे पूरे करता है। पीर कुदरतुल्ला जवाल की जद में था। अखबारी तस्वीरों वाले मामले को अब 5 माह होने को आए थे। इन 5 महीनों में कुदरतुल्ला की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था। उसके अमलियात और जानवरों के साथ सफाकाना सलूक के बारे में कई सवाल उठाए गए थे और उनमें से बेशतर सवालों का बहरूपिया पीर के पास कोई जवाब नहीं था। ना सिर्फ देही और शहरी इलाकों में कुदरतुल्ला की पेशकदमी रुक गई थी, बल्कि उसके कई आस्थाने बंद भी हो गए थे। कुछ जगहों पर लोगों ने कुदरतुल्ला के शाये किए हुए किताबचे इज्तमाही तौर पर नजरें आतिश किए थे। ग्रेस अपने बच्चे डेविस के साथ इंग्लैंड वापस जा चुकी थी। ताहम बजरिया खत छानी से उसका रब्ता था। इंस्पेक्टर हफीज अपने जख्मों से सेहतयाब होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था। अजमल खान पिछले 1.5 माह से अपने आबाई इलाके हसन अब्दाल में था। अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। उसकी गैर मौजूदगी शानी को बुरी तरह महसूस हो रही थी। वो अपनी तर्ज का अनोखा था, रेशम की तरह नरम, फौलाद की तरह सख्त। शानी रंगवली की हवेली में थी। उसे अपने खेत, अपने गली कूचे, अपने कुएं और अपनी सहेलियां वापस मिल गई थी, लेकिन जो लोग हमेशा के लिए खो गए थे उन्हें कौन वापस ला सकता था? शानी का भाई, वालिद, वालिदा और बेवफा चचा रईस भी, ताया मासूम वापस आ चुके थे। ये सब कुछ एक ऑफ द रिकॉर्ड माहिदे या राजीनामे के तहत हुआ था। ये माहिदा गालिबन हाजी हयात और डिप्टी रियाज हिटलर के दरमियान ही हुआ और उसकी ज्यादा तफसील शानी को मालूम नहीं थी।
इस माहदे के तहत ताया मासूम और शानी को डिप्टी रियाज और उसके हमकारों के खिलाफ जबान बंद रखना थी, यानी मुकम्मल जबान बंदी। शानी ने रंगबली की हवेली से वीरानी की गर्द झाड़ी थी। उसका अज़्म था कि वो इस हवेली को अब मजीद बेआबाद नहीं रहने देगी, उसकी रौनकें वापस लाएगी। लेकिन कैसे? वो इस हवेली को आबाद तो तब कर सकती थी जब उसका अपना दिल आबाद होता। अपना दिल तो जैसे एक खंडर बन गया था, उसमें यादों के आसेब चकराते थे। रुस्तम और उसके साथियों को ओझल हुए। अब पौन साल होने को आया था। इन 9 महीनों में कौन सा पुल, कौन सी सात ऐसी थी जिसमें उसने बिछड़ने वाले को याद ना किया हो। अब भी वो अपनी अजीज तरीन सहेली सकीना के साथ पिछले सहन में आम के पेड़ तले रंगीन पायों वाली कुर्सी पर बैठी थी। वो हुस्न वकार का पैकर मालूम होती थी। इलाके के दर्जनों लोगों से मिलकर और उनकी छोटी मोटी शिकायत सुनकर वो अभी अभी फारिग हुई थी। ये लोग 2-3 माह में ही शानी को उसकी वालिदा वड्डी आपा का सा दर्जा देने लगे थे। शानी खुद को इस इज्जत अफजाई के काबिल नहीं समझती थी। इतने में हवेली के पुराने मुलाजिम खादिम हुसैन ने अंदर आकर सलाम किया और अदब से बोला, छोटी बीबी आपका फोन है जी लाहौर से, राना इम्तियाज साहब हैं। अब क्या कहते हैं वो, शानी रोहानसी होकर बोली। वही गल करनी होगी जी, उनके दिमाग में बड़ा हुआ है कि आपको इलेक्शन में खड़ा करके छोड़ना है। शानी ने खादिम हुसैन के सामने हाथ जोड़ दिए और उसे कहा कि वो उन्हें टाल दे। फिर पता नहीं क्या हुआ, जरा तन्हाई मिली तो शानी एकदम रोने लगी। सकीना खामोशी से उसे देखती रही। आखिर वो बोली, क्यों रो रो कर अपना सर खाली करती है शानी, वो जैसे फूट पड़ी। सकीना वो सब कहाँ चले गए, उन्हें जमीन खा गई या आसमान, कोई भला ऐसे भी जाता है सकीना, ऐसे भी रुलाता है। सकीना कहीं वो फिर पहाड़ों में तो नहीं चले गए, बड्डे डेरे की जगह कोई और डेरा बना लिया हो उन्होंने, कोई और ग्रोह बन गया हो। कहीं रुस्तम ने अपने लिए कोई नई दुनिया तो नहीं वसा ली सकीना, मुझे भुला तो नहीं दिया कहीं। ढूंढने वाले को तो रब ही मिलता है, फिर वो मुझको क्यों नहीं मिलता, कहीं उसने मुझसे अपना रास्ता जानबूझकर तो वखरा नहीं कर लिया। सकीना ने आह भरी। मैं तुझे क्या तसल्ली दूं शानी, मैं रुस्तम के बारे में बहुत थोड़ा जानती हूँ और सच्ची बात तो यह है शानी कि ये मर्द। वो कहते कहते खामोश हो गई, उसका गला रंध गया था। इतने में बरामदे की तरफ से छोटे छोटे कदमों की आवाज आई और कोताह कर डोला तेजी से अंदर दाखिल हुआ। शानी को बेतकल्लुफी से मुखातिब करके बोला, बाजी जी खान भाई आ गए हैं, अपने साथ बहुत से बादाम और किशमिश वगैरह लाए हैं, बड़े जोश में नजर आते हैं, मुझे लगता है उनके पास आपके लिए कोई खास खबर है, आपको फौरन बुला रहे हैं। डोले ने फौरन अजमल खान के अंदाज में अदा किया। शानी उठी और हवेली की बैठक की तरफ भागती चली गई। अजमल खान निशस्त गह में मौजूद था। शानी दौड़ती हुई उस तक पहुंची। अजमल खान तब पाक से मिला, उसका चेहरा सुर्खी माइल हो रहा था। अजमल इतने दिन कहाँ रहे तुम, फोन पर भी रब्ता नहीं हो सका, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। हमने बेकार में वक्त जाया नहीं किया है जी, अगर हम देर से आया है तो उसका कोई वजह था, हम भी आपसे मोबाइल पर रब्ता करने की कोशिश करता रहा है लेकिन सिग्नल ठीक नहीं आता था। चलो मैं तौकफ करके, अजमल ने अपने सफरी बैग की तरफ इशारा किया, उसमें किशमिश और बादाम है जी, कुछ अखरोट भी है, अखरोट के लिए मुन्ना ने हमसे खास फरमाइश किया था। ये सब तो ठीक है लेकिन इतनी देर कहाँ रहे तुम, अपने सवाल में शानी ने रुस्तम का नाम नहीं लिया मगर इस सवाल के हर लफ्ज में रुस्तम ही की जुस्तुजू थी। अजमल खान ने धीमी आवाज में कहा, एक खोज तो लगा है शानी बहन, और हम को उम्मीद भी है कि उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, प्लीज अजमल पहेलियां ना बुझवाओ। अजमल ने कहा, हमारा ख्याल है जी कि हम उस बंदे को ढूंढने में कामयाब हो गया है जिसको ढूंढ ढूंढ कर पिछले 9-10 महीने में हमारा खोपड़ी पिलपिला हो गया है, हमारा मतलब उस लंबू से है जिसके पाँव का निशान डोले ने मरी में ढूंढा था। यह खबर शानी के लिए चौंका देने वाली थी। उसने यके बाद दीगरे अजमल खान से कई सवाल पूछे। इन सवाल के जवाब में अजमल खान ने इंकशाफ किया कि वो बंदा इस वक्त गुजरावाला में है और अजमल के कब्जे में है। अजमल उसे वहां एक किराए के कमरे में अपने हमराज दोस्त के पास छोड़कर आया था और उसे उम्मीद थी कि ये शख्स रुस्तम और नासिर वगैरह की गुमशुदगी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। तुम्हें कैसे यकीन है अजमल कि ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? हमने उसे मरी से पकड़ा है जी, और उसी इलाके से जहां उसे हम सबसे ज्यादा ढूंढते रहे हैं, और अब तो उस खबीस ने खुद भी सब कुछ मान लिया है लेकिन हमारी सख्त कोशिश के बावजूद ये बंदा हमारे मतलब का बात बताने को तैयार नहीं है। यानी रुस्तम और उसके साथियों के बारे में? जी हाँ, वो कहता है कि उसे कुछ मालूम नहीं कि वो तीनों कहाँ गया, लेकिन हम जानता है कि वो बकता है, वो छुपा रहा है और सख्त ढीठपन का मुजाहरा कर रहा है। हमको तो वो नींद दीवाना लगता है, उसका सोच भी बहुत कट्टर किस्म का है। हमको लगता है कि अगर हमको ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो हमारे हाथों पोत हो जाएगा। अब तुम क्या चाहते हो अजमल, अगर ये बंदा वाकई वही है जो हवालदार नागी से मिला था और जिसने नागी को हमारे पीछे लगाया था तो फिर ये बंदा बहुत अहम साबित हो सकता है, इसीलिए तो हम आपके पास पहुंचा है शानी बहन। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद हमारे साथ गुजरावाला जाए और उस ढीठ के साथ थोड़ा सा बातचीत करे? हमको लगता है जो काम हम दर्जनों गोलियां चलाकर नहीं कर सकता वो आप 2-4 बातों से कर सकता है। हमको याद है
आपने लकी खान के कैमरे वाला मामला कितने अच्छे तरीके से निपटाया था। वो क्या कहता है? उसने अपना नाम राकिब खान बताया है और ये बताया है कि वो स्कर्दू और जेलास की तरफ का रहने वाला है। वो ये बात भी मानता है कि वो उन गैर मुल्की लोगों की तलाश में था जो यहाँ इन पहाड़ों में खास पौधे सबगंदल पर तजुर्बात करते फिर रहे थे। वो अपनी जबान में सबगंदल का नाम कुछ और लेता है, उसको सूसी कहता है। हो अम आपको बताना भूल गया, वो पश्तो तो बोलता है मगर बहुत रुक रुक कर। उसका जबान और लहजा और तरह का है, उसका असल जबान कुछ और है। थोड़ा बहुत उर्दू भी जानता है। वो कहता है कि सूसी का काश्त करना और उसका इस्तेमाल करना और उसको जाया करना सब कुछ जुर्म है और हमारे बुजुर्गों के नज़दीक इसका सजा मौत से कम नहीं है। ऐसा काम जो भी करेगा और जहाँ भी करेगा हमारे लोग उसको सजा देंगे। चलो जिन्होंने ये सब कुछ किया उनको सजा मिल गई। गोरे के बंगले में उनमें से बहुत सों को जबा कर दिया गया, लेकिन जो बाकी थे उनको किस जुर्म में पकड़ा गया और वो अब कहाँ और किस हाल में है? बस जी, वो इससे आगे कुछ बताता ही नहीं है। अब ने उसे 2-3 दिन भूखा भी रखा है, थोड़ा सा मारपीट भी किया है, डराया धमकाया भी है। वो हरामी अभी तक तस्मस नहीं हुआ। ऐसा लोग बहुत जनूनी किस्म का होता है शानी बहन। वो कहता है कि अम तुम्हारे हाथों मर जाएगा तो कामयाब हो जाएगा, दूसरी दुनिया में अम को बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा। अम ने उससे कहा तुम पहले ही 7 फुट ऊंचे हो, अब इससे और ऊंचा मकाम क्या लोगे? वैसे उस खबीस की बातों से हमको कभी कभी डर लगता है। अम को यकीन है अगर आप गुजरांवाला चली जाएं तो उससे ज्यादा अच्छी तरह बात कर सकेगा। शानी सोचने पर मजबूर हो गई। अजमल जो इतला लाया था वो मामूली नहीं थी। ये लमढ़ीन शख्स रुस्तम, नासिर और शरीफ की पुरासरार गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा सकता था। अगर अजमल ने वाकई मतलूबा शख्स को ढूंढा था तो फिर चौधरी बशीर के कत्ल के बाद ये उसका दूसरा बड़ा कारनामा था। एक अजीब सी लहर शानी के सरापे में दौड़ने लगी, तहम उसके साथ साथ दिलो दिमाग में कई अंदेशे भी थे। अजमल उसे अपने साथ चलने का कह रहा था, उसके लिए उसे रंगवली से निकलना पड़ता और आरिफ कंबू ने उसे सख्ती से मना कर रखा था। शानी को सोच में देखकर अजमल खान बोला, अम जानता है आप किस सोच में पड़ गया है। रंगवली से निकलकर गुजरांवाला जाने में आपके लिए काफी खतरा है, आपके साथ गार्ड्स का होना जरूरी है। शानी ने ताईदी अंदाज में सर हिलाया, आरिफ परसों भी कह रहा था कि कुदरतुल्ला के चेले इलाके में मौजूद हैं। एक मलंग कादिरपुरा के पास से पकड़ा गया था, बाद में पता चला कि वो कुदरतुल्ला का चेला है। थाने में उसने बताया कि वो कुदरतुल्ला की हिदायत पर यहाँ आया था और रंगवली के माहौल का जायजा ले रहा था। हो सकता है कि इस तरह के और भी लोग आसपास मौजूद हों। फिर क्या किया जाए शानी बहन? क्या हम किसी तरह उस लंबू हरामी को यहाँ लाने की कोशिश करें? नहीं, ये भी ठीक नहीं, शानी ने कहा। फिर तौकफ से बोली, अच्छा मैं ही कुछ सोचती हूँ। शानी ने आरिफ कंबू से मशवरा किया। उसके बाद उसने फुफ्फो आमना के कपड़े पहने, सर पर मोटी ओढ़नी ली और लंबा घूंघट निकाल कर उस 86 मॉडल टोयोटा कार में आ बैठी जिस पर अमूमन फुफ्फो आमना सफर किया करती थी। डोला और अजमल खान शानी के हमराह थे। ये सापहर का वक्त था। रंगवली की हवेली के मेन फाटक से बाहर अब भी दर्जनों अफराद अपनी बीबी की एक झलक देखने के लिए जमा थे। उनमें मर्दों जन और बच्चे भी शामिल थे। ये सब अपनी बीबी से मोहब्बत करते थे, उसकी राह में आंखें बिछाए रहते थे। उनके दिलों में उसकी तस्वीर थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ अरसा पहले शानी की माँ की तस्वीर थी। शानी भारी घूंघट की ओट से अपने उन परिस्तारों को मोहब्बत भरी निगाह से देखती रही और गाड़ी नीम पुख्ता रास्ते पर दौड़ती तेजी से आगे बढ़ती चली गई। शानी के दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। यह सवाल बार बार उसके जहन में उठ रहा था, क्या वो राकिब खान नामी उस शख्स से कुछ पूछ पाएगी? क्या वो उसके लिए अपनी चुप तोड़ने पर राजी हो जाएगा? और इससे भी ज्यादा अहम सवाल ये था कि क्या ये शख्स रुस्तम और नासिर कहाँ है, इसके मुतालिक जानता है? रंगवली से गुजरांवाला तक के रास्ते में राकिब खान नामी दराज का शख्स के बारे में बातें होती रहीं। करीबन 10 दिन पहले अजमल खान अपने शहर हसन अब्दाल से गलियात में आया था। यहाँ उसे अपने एक अजीज दोस्त की शादी में शिरकत करना थी। दोसहरा गांव के पास ये दराज का शख्स उसे बिल्कुल इत्तफाकन ही नजर आ गया था। अजमल खान ने उसे एक दुकान के अधखुले शटर के नीचे से देखा था। यहाँ वो अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा ताश खेल रहा था। बस अजमल खान शादी की तकरीब को भूल भाल कर उसके पीछे लग गया। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि यही वो मतलूबा शख्स है जो चंद माह पहले हवालदार नागी से मिला था और नागी को गैर मुल्कियों का पता लगाने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी, अजमल खान ने उसे गन पॉइंट पर उठा लिया और फिर उसे मरी से गुजरांवाला ले आया। शायद वो उसे रंगवली ही ले आता, लेकिन मुख्तलिफ अंदेशों के तहत रुक गया। शानी, अजमल खान और डोला जब गुजरांवाला पहुंचे तो रात हो चुकी थी। अजमल की रहनुमाई में हवेली का ड्राइवर अब्बास उन्हें एक मुजाफाती रिहायशी इलाके तक ले गया। ये एक जेर तामीर इलाका था जिस छोटी से मकानुमा कोठी के सामने गाड़ी रुकी। उसके इर्द गिर्द 2-3 प्लॉट खाली पड़े थे। अजमल ने गेट खोला और गाड़ी अंदर चली गई। अजमल के दोस्त शेर मोहम्मद ने उनका इस्तकबाल किया। ये शानी के लिए जाना पहचाना शख्स था। शेर मोहम्मद की 2 टैक्सी कारें रावलपिंडी और मरी के दरमियान चलती थी। ये शेर मोहम्मद ही था जिसने चौधरी बशीर के कत्ल के बाद अजमल खान को दलेराना पनाह दी थी। तब अजमल के साथ शानी के अलावा ग्रेस, मुन्ना, डेविस और डोला वगैरह भी थे। शेर मोहम्मद एक मजबूत और पुरसकून शख्स था, लेकिन आज वो शानी को कुछ हिरासा नजर आया। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था,
सलाम दुआ के बाद अजमल ने पूछा, क्या बात है ब्रादर? शेर मोहम्मद अजमल खान को एक जानिब ले गया और खुसर फुसर करने लगा। शानी को अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ है। डोला भी कुछ मुस्तरिब नजर आ रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, बाजी जी, मुझे लगता है कि अंदर कोई बंदा जख्मी है, उसका खून बह रहा है। अजमल और शेर मोहम्मद तेजी से अंदर चले गए थे। उनके पीछे शानी और डोला भी चले गए। टीवी लाउंज में ट्यूबलाइट रोशन थी। शेर मोहम्मद एक दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। शेर मोहम्मद और अजमल के पीछे वो भी अंदर चले गए। ये एक कुशादा कमरा था। ट्यूबलाइट में अंदर का मंजर चौंका देने वाला था। एक दुबला पतला नौजवान करवट के बल कमरे के फर्श पर लेटा था। उसके नीचे दरी खून से रंगीन हो चुकी थी। नौजवान का स्वेटर और शलवार कमीज भी बुरी तरह खून आलू थी। खून इतना ज्यादा बहा था कि उसका रंग लेमू की तरह जर्द दिखाई दे रहा था। नौजवान के दोनों हाथ पुश्त पर नायलोन की रस्सी से बंधे हुए थे। ये क्या हुआ अजमल? शानी ने पूछा। इसने अपना कलाइया शीशे से काट लिया है। ये देखिए जी, इसने ये शीशे का जग तोड़ा है और उसके टुकड़े से अपना दोनों कलाइया जख्मी किया है। शानी ने घबरा कर देखा। एक नहीं, दोनों कलाइया बुरी तरह कटी हुई थी और मजरूब नीम बेहोश था। बिलाशुबा यही वो राकिब खान था जिसकी तलाश ने उन्हें महीनों सरगर्दा रखा था। आज वो शानी को नजर भी आया था तो किस हाल में? वो आखिरी सांसें ले रहा था और अपने ही खून में लतपत था। शानी घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। बड़े इस्तराब के आलम में उसने नीम जान शख्स का शाना झंझोड़ा। राकिब खान, राकिब खान, उसने पुकारा। अजमल भी बैठ गया। उसने भी राकिब खान के रुखसार थपथपाए और उसे मुखातिब करने की कोशिश की। राकिब खान ने अपनी सफेदी माइल आंखें खोली और अजीब नजरों से शानी और अजमल खान की तरफ देखा। उसकी आंखों में फतहमंदी की झलक थी, जैसे कह रहा हो, देखो मैंने तुम्हारी नहीं चलने दी और अपनी चला ली। अब क्या पूछ लोगे मुझसे? कैसे पूछोगे? शानी तड़प कर रह गई। उसने बेचैनी से अजमल खान की तरफ देखा। अजमल, कुछ करो, ये मर रहा है। राकिब खान ने नफी में सर हिलाया और होंठों को हरकत दी, जैसे कह रहा हो कि अब कुछ हासिल नहीं। शानी ने बेताब होकर उसका सर अपने जानों पर रख लिया। वो कराही, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी जान ही खत्म कर ली। हम ऐसा कब चाहते थे? शेर मोहम्मद ने उसे पानी पिलाया, फिर जल्दी जल्दी उसके हाथों की बंदिश खोलने लगा। ऐसा करते हुए शेर मोहम्मद के हाथ खून से भर गए थे। अजमल खान बाहर भागा ताकि ड्राइवर से कहकर गाड़ी दरवाजे के ऐन सामने ले आए। गालिबन उसे उम्मीद थी कि राकिब को किसी अस्पताल या किसी प्राइवेट क्लिनिक तक पहुंचाया जा सकता है। डोला भी अजमल के साथ बाहर निकल गया था। शानी को ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसने राकिब को होले से हिलाया और रोहान सी आवाज में पूछा, राकिब, राकिब, वो सब कहाँ गए? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो बता दो राकिब। उसने आंखें बंद कर ली। वो कुछ बुड़बुड़ा रहा था। शानी ने अपने कान उसके होंठों के करीब किया। वो कुछ पढ़ रहा था, शायद उसके अकीदे के मुताबिक ये कोई मनाजात थी। अपने चेहरे पर हैजानी कैफियत लिए वो बुड़बुड़ाता रहा और खींच खींच कर सांस लेता रहा। शानी ने उसके रुखसार पर हाथ फेरा। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, कुछ बता दो। इसके साथ ही शानी की आंखों से दो आंसू छलक गए। नौजवान की लंबूतरी ठोड़ी पर गिर गए। उसने अपनी बंद आंखों में दर्द पैदा की। उसकी आंखों में एक लहर थी, एक अजीब जनूनी कैफियत थी। उसने चंद लम्हों तक शानी को देखा, फिर कुछ बोला। शानी ने अपना कान उसके सर्द होंठों से लगा दिया। उसने जो अल्फाज कहे वो शानी की समझ में आए। ये बड़े बेरहम अल्फाज थे। उसने कहा, उनको भूल जाओ, वो सब खत्म हो गया, हो बर्फ के अंदर चला गया। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा मत कहो, मुझे सच बताओ, शानी ने हिजियानी अंदाज में कहा। इसके साथ उसे बार बार झंझोड़ा। वो फिर आंखें बंद कर चुका था। उसके बाद उसने आंखें नहीं खोली। शानी उसे बुलाती रही और पुकारती रही, खुदा के लिए जबान खोलो, खुदा के लिए जबान खोलो, हमारे साथ ऐसा मत करो। बाहर टोयोटा कार एन दरवाजे के सामने आकर रुक गई थी, लेकिन जिसे कार में डालकर अस्पताल ले जाया जाना था वो मर चुका था। अजमल खान और ड्राइवर अब्बास दौड़ते हुए अंदर आए। शानी दराज कद राकिब की लाश के पास बैठी थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ शानी बहन? अजमल का रहा। ये मर गया है, शेर मोहम्मद ने राकिब की खुली आंखों को बंद करते हुए कहा। डोला शानी का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया। उसने शानी को पानी पिलाया। शानी का सारा जिस्म डरज रहा था। अभी राकिब ने जो अल्फाज कहे थे वो बेहद अंदोहनाक थे। ये अल्फाज दहके अंगारों की तरह शानी की समात में उतरे थे और पूरे जिस्म में फैल गए थे। अब ये अल्फाज उसे अंदर से खाकसतर कर रहे थे। अचानक शानी का पैमाना लबरेज हो गया। उसने हाथों में चेहरा छुपाया और बुलंद आवाज से रोने लगी। डोला, अजमल और शेर मोहम्मद सख्त घबरा गए। अजमल ने तड़प कर कहा, क्या हुआ शानी बहन? डोला रोहान सी आवाज में बोला, बाजी जी क्या हुआ, हौसला रखें। शानी हिचकियों से रोती रही। शेर मोहम्मद ने धीमी आवाज में अजमल से कहा, इस पाउंडे ने बीबी से कोई बात कही है? क्या कहा है? मैं सुन नहीं सका, लेकिन इसने कुछ कहा है। अजमल, डोला, अब्बास और शेर मोहम्मद दम साधे साकित खड़े रहे। शानी सोफे की पुश्त पर सर टिकाए रोती रही। साथ वाले कमरे में करीबन 7 फुट लंबे राकिब खान के खून आलूद लाश एक सरबस्ता रास की तरह पड़ी रही। हो शानी बहन, इसने आपसे क्या कहा है? आप अम को बताएं, शायद अम आपको इसका कोई जवाब दे सके।
शानी बस नफी में सर हिलाती रही। अजमल खान और अब्बास वगैरह राकिब की लाश की तरफ मुतवज्जा हो गए। उसके इर्द गिर्द बहुत सी जगह खून से लथपथ थी और खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। शानी ने कराहते हुए अजमल खान को मुखातिब किया, अजमल तुमसे यह अच्छा काम नहीं हुआ, तुमने इस पर इतनी सख्ती क्यों की कि यह खुदकुशी पर मजबूर हुआ? इसकी जान तुम्हारी गफलत और तुम्हारी सख्ती से गई है। नहीं शानी बहन, हम आपके सर की कसम खाता है, हमने इस पर ज्यादा सख्ती नहीं किया। आप इसका जिस्म देख लें, कहीं चोट का निशान नहीं मिलेगा। हम इसको धमकाता जरूर रहा है, लेकिन ज्यादा मारपीट इससे नहीं किया है। शेर मोहम्मद ने अजमल की तायीद करते हुए कहा, मैं भी गवाह हूँ बीबी जी, अजमल गलत नहीं कह रहा। पुलिस वाले हवालातियों पर जो तशद्दुद करते हैं, ये उसका दसवां हिस्सा भी नहीं था। पहले तीन दिन के सिवा हमने इसके खाने और आराम का भी पूरा ख्याल रखा है। ये वैसे ही जनूनी था। इसकी जेब से इसकी एक तस्वीर भी मिली है। उस तस्वीर में इसकी झाड़ झंकार दाढ़ी है और सर सफा चट है, और मेरे ख्याल में यही इसका असल हुलिया है। ये शहरियों वाला हुलिया तो इसने यहाँ घूमने फिरने के लिए बना रखा था। अजमल ने राकिब खान के गले से एक तावीज़ उतार कर शानी की तरफ बढ़ाया। यह दरअसल तांबे की एक छोटी सी तख्ती थी। उस पर सामने की तरफ एक दरख्त की शबी कुंदा थी। तख्ती की उल्टी सिमत पर दो पत्ते से बने हुए थे। उन पत्तों की शक्ल सांप के फन से मिलती जुलती थी। शानी देखते ही पहचान गई, उन पत्तों और सब गंदल के पत्तों में ज्यादा फर्क नहीं था। अजमल ने राकिब की जैकेट की जेबों से बरामद होने वाली कुछ और अशिया भी शानी को दिखाई। कुछ पाकिस्तानी और चाइनीज करेंसी, नामालूम जबान में लिखा हुआ एक खत, एक चाकू और दो चार खूबसूरत पत्थर जो शायद बरकत के लिए जेब में रखे गए थे। शानी को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे गश आ जाएगा। उसकी हालत देखते हुए डोले ने कहा, बाजी जी आप थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। शानी वहीं बैठी रही और चेहरा हाथों में छुपाए सिसकियां भरती रही। मरने वाले के अल्फाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, उनको भूल जाओ, वो सब खत्म हो गया, हो बर्फ के अंदर चला गया। ये कैसे शफाक अल्फाज थे! क्या ये अल्फाज सच थे और क्या इनका मतलब वही था जो समझ में आ रहा था? खत्म होने से क्या मुराद है? खत्म होने से ये मुराद तो नहीं थी कि वो हम सब के लिए खत्म हो गए लेकिन जिंदा हैं। वो अपने आप को दिलासे देने लगी, लेकिन कोई दिलासा भी इतना मौसर नहीं था कि उसके दिल की टूटी हुई रगों को टूटने से बचा सकता। नहीं, वो नहीं मर सकता, वो दिल ही दिल में कराही, वो इस तरह मुझको छोड़कर नहीं जा सकता। वक्त कितना ही बेरहम हो, लेकिन इतना बेरहम नहीं हो सकता। अजमल, शेर मोहम्मद और अब्बास लाश को संभालने में लगे हुए थे। उन्होंने तेजी के साथ बरामदे में से कुछ ईंटें उखाड़ ली थी। अब वहां गढ़ा खोदने में मसरूफ थे। इस काम में उन्हें कम से कम एक घंटा लगना था। बेलचे से खुदाई करते हुए वो एहतियात से काम ले रहे थे ताकि इर्द गिर्द के किसी घर तक खुदाई की आवाज ना पहुंचे। शानी निढाल सी होकर साथ वाले कमरे में आन लेटी। ये बात तो उसे अच्छी तरह मालूम हो चुकी थी कि गोरे के बंगले पर हमला करने वाले लोग गिलगित या चेलास वगैरह की साइड से आए थे। अगर वो रुस्तम और नासिर वगैरह को अपने साथ ले गए थे तो फिर उन्हें उन्हीं शुमाली इलाका जात में ढूंढा जाना चाहिए था। अजमल खान और हाजी हयात के अहलकारों ने उन इलाकों में बहुत खाक या कहना चाहिए कि बर्फ छानी थी, दूर दराज की बस्तियों तक पहुंचे थे, इलाके के लोगों से सुनगुन ली थी, सब गंदल के हवाले से भी बहुत टोह लगाने की कोशिश की थी कि शायद किसी ऐसे कोहिस्तानी कबीले का पता चल जाए जो इस खास पौधे को खास अहमियत देता हो, या कोई ऐसी जगह जहाँ ये पौधा कुदरती तौर पर पाया जाता हो, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस बात मालूम नहीं हो सकी थी। कम से कम कोई ऐसा सुराग नहीं मिल सका था जिसकी मदद से हाजी हयात या अजमल खान पेशरफ्त कर सकते। और फिर मौसम सरमा शुरू हो गया था। अब बुलंद पहाड़ पर शदीद बर्फबारी के सबब अहम रास्ते बंद पड़े थे। शानी अपनी ओढ़नी में चेहरा छुपाकर लेटी रही और सिसकती रही। डोला बेबसी से उसके करीब बैठा रहा। आज दोपहर जब अजमल खान ने रंगवली की हवेली में आकर शानी को तवील कामद राकिब खान के बारे में इतिला दी थी तो शानी का दिल जोश और उम्मीद से भर गया था। उसका दिल चाहा कि वो उड़कर गुजरांवाला पहुंच जाए और उस शख्स से मिले, और वो पहुंच भी गई थी। लेकिन यहाँ पहुंचकर जो कुछ सामने आया था वो बिल्कुल गैर मुतवक्के था। राकिब की लाश को दबाने के बाद अब्बास और शेर मोहम्मद ईंटों का फर्श फिर से दुरुस्त करने लगे। वो ईंटों को इस तरीके से लगा रहे थे कि उनके उखाड़ पछाड़ का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। अजमल हाथ मुंह धोकर शानी के पास आन बैठा। वो अफसरदा था। शानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, काश ये सब कुछ ना होता अजमल, मुझे यकीन है अगर मुझे एक दो घंटे मिल जाते तो मैं इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेती। खो आप ठीक कहता है शानी बहन, हम आपको यहाँ लाया भी तो इसीलिए था। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स इस तरह का हरकत कर डालेगा। हम खुद से और आपसे बहुत शर्मिंदा है। ये बंदा हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था। काश हम इसकी हिफाजत कर सकता। हमारा दिल गम से एकदम चूरा चूरा हो गया है। शानी खामोश रही। कमरे में बोझल सा सन्नाटा छाया रहा। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए शेर मोहम्मद ने नदामत भरे लहजे में कहा, मेरा कसूर सबसे ज्यादा है, लेकिन आपकी तरह मुझे भी ये शक नहीं था कि ये बंदा अपनी जान लेने पर आमादा हो जाएगा। मैं रात गए तक जागता रहा। सोने से पहले मैं इसके पास गया और पूछा, लाला चाय पीसो? इसने कोई जवाब नहीं दिया, आंखें बंद करके पड़ा रहा। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। तब तक ये बिल्कुल सही था। दोपहर को भी मैंने इसे अपने हाथ से चावल खिलाए थे।
अजमल रंधे हुए गले से बोला, शानी बहन, क्या राकिब ने रुस्तम भाई के बारे में कुछ बुरा बात बोला था? शानी ने अजबात में सर हिलाया और आंसू छुपाने के लिए चेहरा फिर बाजुओं की ओट में कर लिया। नहीं शानी बहन, आपने जो सुना एकदम गलत है, अजमल जज्बाती होकर बोला। हमारे रुस्तम भाई को कुछ नहीं हो सकता, वो जहाँ होगा बिल्कुल सही सालिम होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। आखिरी अल्फाज कहते कहते उसकी अपनी आवाज भी भर आ गई थी। राकिब की जाती अशिया में से मिलने वाला खत डोले के हाथ में था। ना जाने ये कौन सी जिन्नाती जबान थी, एक लफ्ज पढ़ ले नहीं पड़ता था। डोला खत को बगौर देख रहा था, फिर उसने ये खत तह करके अपनी जेब में रख लिया। अब अम को वापस चलना चाहिए शानी बहन, अजमल खान ने कहा। शानी को अपना जिस्म मट्टी का ढेर महसूस हो रहा था। न कहा थी, पता नहीं क्यों उसका दिल चाह रहा था सब लोग यहाँ से चले जाएं। वो कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ाए और बिस्तर पर गिरने के बाद फूट फूट कर रोए, लेकिन फिलवक्त ये भी उसके बस में नहीं था। कुछ लम्बे ऐसे ही जाँ गुसिल होते हैं, चट्टान जैसे सख्त लोगों को भी तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। राकिब के कहे हुए अल्फाज और यह सीसा उसके पूरे जिस्म को दाग रहा था। अचानक घर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। अजमल खान और शेर मोहम्मद यूं उछले जैसे पाँव के करीब से कुछ सांप नमूदार हो गया हो। अजमल खान के बकौल शेर मोहम्मद ने यह मकान 2-3 माह से किराए पर हासिल कर रखा था। गालिबन शेर मोहम्मद को हरगिज तौका नहीं थी कि रात के इस पहर घर के बैरूनी दरवाजे पर कोई दस्तक देगा। अभी थोड़ी देर पहले शेर मोहम्मद ने अजमल के साथ मिलकर घर के बरामदे में एक लाश, एक खून आलूद दरी और चंद दीगर अशिया दबाई थी। अब दरवाजे पर बेवक्त की दस्तक हो गई थी। तुम्हारे किसी हमसाये को तो शक नहीं हुआ, अजमल ने सरगोशी में शेर मोहम्मद से पूछा। मैं देखता हूँ, शेर मोहम्मद ने कहा और अपनी कमीज के नीचे लकड़ी के दस्ते वाले रिवॉल्वर लगाता हुआ बाहर सहन में चला गया। अंदर अजमल खान भी चौकस नजर आने लगा। अब्बास ने एक चारपाई लाकर बरामदे में फर्श के उस हिस्से पर बिछा दी जिसे उखाड़ा गया था। बरामदे में से छोटी मोटी मशकूक अशिया भी हटा दी गई। शानी ने अंदरूनी कमरे की खिड़की में से देखा, शेर मोहम्मद बाहर चला गया था, शायद आने वाला उसका वाकिफकार था। शेर मोहम्मद के जाने के बाद बैरूनी दरवाजा फिर बंद हो गया था। गुजरावाला के इस मुजाफाती आबादी में रात का सन्नाटा साए साए कर रहा था। जू जू रात भीग रही थी, एक ठठरी हुई धुंध नशेबो फराज को ढांपती चली जा रही थी। डोले के कान किसी शिकारी जानवर की तरह खड़े थे। शानी ने उससे पूछा, कौन है बाहर? वह एतमाद से बोला, एक आदमी है, किसी बुजुर्ग का पैगाम लेकर आया है। मुझे लगता है ये पैगाम आपके लिए है। एक रुका दे रहा है ये शख्स शेर मोहम्मद साहब को। शानी, अजमल और आरिफ वगैरह ने अब डोले की बातों पर हैरान होना छोड़ दिया था। वो अपनी तर्ज का अनोखा था और अपना अनोखापन उसने बहुत दफा साबित किया था। शानी ने खुद को संभाला, उठकर ओढ़नी दुरुस्त की और जल्दी से बैरूनी दरवाजे की तरफ गई। वो देखना चाहती थी कि दरवाजे पर कौन है। अभी वो सहन में ही थी कि शेर मोहम्मद वापस आता नजर आया। शानी उसे नजरअंदाज करती हुई दरवाजे तक पहुंची और बाहर गली की यखबस्ता तारीकी में झांका। उसे एक साइकिल सवार नजर आया जो तेजी से गली के मोड़ पर ओझल हो रहा था। कौन था ये? शानी ने बेताबी से पूछा। शेर मोहम्मद ने अपनी चादर की बकल में से एक सफेद रंग का पर्चा निकाला और शानी की तरफ बढ़ा दिया। नूरुल हसन राजा नाम का एक बंदा था, आपके लिए दे गया है। डोले की सलाहियत एक बार फिर साबित हुई थी। क्या कहता था? शानी ने आंसू पोंछते हुए दरियाफ्त किया। कहता था, मुझे पीर बाबा ने भेजा है, उन्हें पता है कि बीबी यहाँ है। मैं उससे पूछता ही रह गया कि वो कौन है, लेकिन वो आनन फानन निकल गया। बैरूनी दरवाजे को कुंडी चढ़ाकर शानी अंदर बरामदे में आई और बल्ब की रोशनी में पर्चा देखना शुरू किया। वो हैरान रह गई। एक भूले बसरे शख्स के नूरानी खदोखाल उसकी नजरों के सामने नुमाया होने लगे। वो उस शख्स को कैसे भूल सकती थी जिसने नारपुर से आके एक तारीख वीराने में शानी को चौधरी बशीर के कजन बाबर की दरिंदगी से बचाया था। उस वाक्य का एक एक लम्हा शानी के दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था और साथ ही उस मेहरबान बुजुर्ग की सूरत भी जिसे उसके साथी पीर बादशाह या पीर बाबा कहते थे। हाँ, वो वाक्य शानी के जहन पर कुंदा था। बारिश से भीगे हुए तारीख दरख्तों में भागते हुए उसकी टांग एक दो शाखा जड़ में फंस गई थी। बाबर उसका ताकुब कर रहा था। उसने शानी की टांग छुड़ाने की बजाय उसी हालत में उस पर मुजरिमाना हमला करना चाहा था। तब मेहरबान बुजुर्ग पीर बाबा एक फरिश्ते की तरह नमूदार हुआ था और शानी की हिफाजत की थी। यह उसी पीर बाबा का खत था। शानी उनकी तहरीर नहीं पहचानती थी, मगर उसका दिल गवाही देने लगा था कि यह उनके लिखे हुए अल्फाज हैं। पीर बाबा ने शानी के लिए अपना मखसूस लफ्ज मेरा बच्चा इस्तेमाल किया था। उनके लिखे हुए अल्फाज कुछ इस तरह थे, मेरा बच्चा, आज बहुत अरसे बाद तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे यकसर बेखबर रहता हूँ। तुम्हारे हालात की कुछ न कुछ आगाही मुझको रहती है। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा, इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारी आंखें सावन भादू की तरह बरस रही हैं, मगर ये सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी दुख के बगैर मुकम्मल नहीं होती और ना ही खुशी के बगैर मुकम्मल होती है। खुशी में से दुख और दुख में से खुशी की कोंपलें निकलती हैं। कुदरत हमारे दुखों का मदावा जरूर करती है। कोई एक खुशी हमें ना मिल सके तो उसके बदले में दूसरी खुशी दूसरे तरीके से मिल जाती है। तो मेरा बच्चा, हिम्मत नहीं हारनी, सफर जारी रखना है। रात कितनी भी लंबी हो, कितनी भी काली हो,
सुबह का रास्ता तो नहीं रोक सकती ना। हिम्मत करो मेरा बच्चा, हिम्मत करो। इस वक्त कुछ लोगों को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। यहाँ से 30-40 मील दूर गुजरात बाईपास से ज़रा आगे नूर फैक्ट्री के पीछे एक गांव काछीवाल है। काछीवाल के थानेदार का नाम आकिल गोंदल है। आकिल के हवालात में एक मियाँ बीवी हैं। उन मियाँ बीवी को छुड़ाना बहुत ज़रूरी है और तुम उन्हें छुड़ा सकती हो। आकिल ने अभी तक उन पर कोई ठोस इल्ज़ाम नहीं लगाया है, बस शुबे में पकड़ रखा है। तुम उनको जमानत दे दोगी तो थानेदार उन्हें छोड़ देगा। हो सके तो उन दोनों को अपने साथ रंगवली ले जाना। बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कि उन दोनों को छुड़ाया जाना क्यों ज़रूरी था, और हो सकता है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाए। इस मौके पर मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। अगर तुम्हें कोई मजबूरी नहीं तो अभी यहाँ से गुजरात रवाना हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जहन में कई सवाल कुलबुलाने लगे होंगे। इन सवालों के जवाब में मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उन मियाँ बीवी का ताल्लुक रुस्तम सियाल से है। इस तहरीर ने शानी को सख्त अज़ादा कर दिया। शेर मोहम्मद ने पैगाम पहुँचाने वाले का नाम राजा बताया था। जब वो साइकिल पर सवार गली के मोड़ पर ओझल हो रहा था तो शानी ने स्ट्रीट लाइट में उसकी एक झलक भी देखी थी। वो यकीनन राजा ही था। पीर बाबा के उस मुरीद को भी शानी किसी न किसी हद तक जानती थी। रुका शानी के हाथ में लरस रहा था और मोहतरम बुजुर्ग का चेहरा शानी की निगाहों में घूम रहा था। मोहतरम बुजुर्ग का असल नाम आसिफ वारसी था। वो माजी में फिल्मों के एक मशहूर अदाकार रहे थे, लेकिन अब ये खूबरू अदाकार एक नफ्स कुश फकीर का रूप धार चुका था। उनकी किसी वीडियो आर्टिस्ट जैसी आवाज़ शानी को अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। वक्त रुखसत उन्होंने शानी से कहा था, मेरा बच्चा मैं जानता हूँ तू मुसीबतों के घेरे में है, लेकिन जिस मालिक ने तुझे मुश्किलें दी हैं उसने तुझे हौसले भी दिए हैं, बस इस हौसले को टूटने ना देना। शानी का ध्यान एक बार फिर रुके के मंदराजात की तरफ चला गया। पीर बाबा ने जिस मर्द और औरत का जिक्र किया था वो कौन थे? रुस्तम से उन दोनों का क्या ताल्लुक हो सकता था? कहीं वो बेजी और चाचा इब्राहिम तो नहीं थे? कई सवाल शानी के जहन में उधम मचाने लगे। अचानक वो बुरी तरह चौंक गई। उसे लगा कि उसके सारे जिस्म पर चूंटियां सी रेंग गई हैं। कहीं ये मियाँ बीवी रुस्तम की बहन और बहनोई तो नहीं थे? शानी को ये बात मालूम थी कि रुस्तम की एक बड़ी बहन आपू जाहिदा हैं, जिन्हें वो बहुत ज्यादा चाहता है। अपनी बहन और बहनोई को दुश्मनी की आग और पुलिस की दस्त बर्द से बचाने के लिए रुस्तम ने उन्हें किसी महफूज मकाम पर रखा हुआ था। रुस्तम के दोस्त जवार और उसकी बीवी शायरी के सिवा उस मकाम के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अब यह मकाम सरबस्ता राज ना रहा हो और वो मियाँ बीवी पुलिस के हाथे चढ़ गए हों? चंद लम्हों में शानी की हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। उसकी आंखों के सामने डिप्टी रियाज की मनहूस सूरत घूमने लगी। वो बड़े अरसे से उन मियाँ बीवी की तलाश में था और उन्हें हर सूरत अपनी गिरफ्त में देखना चाहता था। तो क्या डिप्टी रियाज की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है या होने वाली है? अजमल खान बगौर शानी के चेहरे का बदलता रंग देख रहा था। शानी बहन, हम को बताएं क्या लिखा है इस खत में? उसने पूछा। शानी ने एक गहरी सांस ली, खत पर एक निगाह मजीद दौड़ाई और बोली, अजमल खान, अगर हमने यहाँ से गुजरात जाना हो तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लगेगा जी, लेकिन वहाँ खैरियत तो है ना? है भी और नहीं भी। हमें गुजरात से थोड़ा आगे काछीवाल गांव पहुँचना है। तुमने नाम सुना हुआ है गाँव का? अजमल के बजाय ड्राइवर अब्बास ने जवाब दिया। बिल्कुल बीबी जी, सुना हुआ है। वहाँ किससे मिलना है आपको? थानेदार से। वहाँ थाना है ना? हाँ जी, अभी एक साल पहले ही बना है, ड्राइवर अब्बास ने जवाब दिया। फिर जरा परेशान लहजे में बोला, खैरियत है बीबी जी? अजमल ने जिच होकर कहा। ओए अल्लाह के बंदे, कभी थाने में भी खैरियत होता है? फिर उसने अपना रुख शानी की तरफ करते हुए कहा, आप बेफिक्र रहो जी, हम खुद गाड़ी चलाएगा, इंशाल्लाह आपको एक घंटे से पहले गुजरात पहुंचाएगा। आप आ जाएं पूरन। शानी ने चल हमें के लिए सोचा, फिर ओढ़नी लेकर शोल्डर बैग कंधे से लटकाया और जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह सिर्फ एक तहरीर पढ़ने के बाद गुजरात के लिए रवाना हो जाना कुछ अजीब सा लगता था, मगर ना जाने क्यों शानी के दिल में ये बात बैठ गई थी कि ये तहरीर उन्हीं मोहतरम बुजुर्ग की है जिन्हें वो उठते बैठते याद करती है, और इस तहरीर पर अमल करना ज़रूरी है। अजमल खान ने शेर मोहम्मद को एक तरफ ले जाकर उसे कुछ ज़रूरी हिदायत दी। इन हिदायत का ताल्लुक यकीनन उस किराए के घर से ही था। अब घर के फर्श में एक लाश दफन हो चुकी थी और इन दरों दीवार को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाता उतना ही बेहतर था। कुछ ही देर बाद 86 मॉडल की टोयोटा कार तारीकी का सीना चीरती हुई GT रोड की तरफ जा रही थी। उनका रुख गुजरात शहर की तरफ था। कार में शानी और अजमल खान के अलावा डोला और ड्राइवर अब्बास भी मौजूद थे। शानी डोले के साथ पिछली निशस्त पर बैठी थी। अजमल खान की फूली हुई चर्मी जैकेट में माउजर मौजूद था। इसके अलावा एक छोटा पिस्टल भी था। इन दोनों हथियारों के अलावा फालतू राउंड भी अजमल की जैकेट में मौजूद थे। अजमल अपने हुली और बोल चाल के लिहाज से एक आम बंदा नजर आता था, एक खुश खुराक और बेफिक्रा सा पठान, लेकिन शानी जानती थी कि उसके अंदर कितना मजबूत और दबंग इंसान छुपा हुआ है। वड्डे डेरे की लड़ाई में खान की शुजात उभर कर सामने आई थी और कई मौकों पर उसने रुस्तम को भी दंग कर दिया था। उसके बाद पिंडी की रिहायशी कोठी में अजमल के हाथों चौधरी बशीर का कत्ल भी एक नाकाबिले फरामोश वाकया था। शानी उस खून रेजी को याद करके काम गई। अजमल ने बशीर और उसके हरकारों को मक्खियों की तरह मार डाला था।
बहुत देर खामोश रहने के बाद अजमल ने कहा, शानी बहन हमको थोड़ा सा आइडिया दे दो ताकि हम जरा तैयार हो जाए। क्या वहाँ कोई लड़ाई मड़ाई का मामला है या बस बातचीत करना है? थानेदार ने दो बंदों को हवालात में बंद कर रखा है, उनकी जमानत करानी है। ओह, अजमल खान ने लंबी सांस ली। इस सांस में गहरी मायूसी भी शामिल थी। गालिबन वो किसी हंगामे की तौका कर रहा था। शानी ने कहा, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि थानेदार किसी तरह तकरार करे, लेकिन तुमने भड़कना नहीं है, जोश को दबा कर रखना है। अजमल ने अतात मंदी से सर हिलाया। फिर शायद खिफत मिटाने के लिए उसने नस्वार की डिबिया की तरफ हाथ बढ़ाया। तहम उसे रास्ते में याद आ गया कि नस्वार पर पाबंदी है। उसका हाथ चेस्ट पॉकेट के करीब पहुंच चुका था। वो उसे पॉकेट में ले जाने के बजाय चेहरे की तरफ ले गया और बेवजह दाढ़ी खुजाने लगा। डोला सब कुछ देख रहा था। मुमकिन था कि वो इस मौके पर कोई मुस्कुराने वाली बात करता, मगर कुछ देर पहले वाले वाकये ने इन सबको गहरी संजीदगी में डिबो रखा था। राकिब खान ने जिस तरह अपनी रगें काट कर अपनी जान ली थी और खून में लथपथ होकर जमीन बुर्द हुआ था, वो सब बहुत तकलीफ दे था। राकिब की सारी जाती अशिया डोले ने छोटे बैग में डालकर अपने पास रख ली थी। ये बैग अब डोले और शानी के दरमियान गाड़ी की निशस्त पर पड़ा था। शानी की हिदायत पर डोले ने बैग अगली निशस्त के नीचे घुसा दिया। वो जिस वक्त काछीवाल गांव की हदूद में दाखिल हुए, रात ही 11 बज चुके थे। चारों तरफ हल्के कोहरे में लिपटे हुए खेत थे और सर्दी मामूल से ज्यादा महसूस हो रही थी। शानी जब भी दरिया चनाब के पास से गुजरती थी, उसे अपने और रुस्तम के हवाले से बहुत कुछ याद आता था। आज भी याद आया था, लेकिन हालात ऐसे थे कि आज वो उस बारे में ज्यादा सोच नहीं सकी थी। उसका जहन मुसलसल पीर बाबा की तहरीर में उलझा हुआ था। पीर बाबा कहाँ थे? उन्हें कैसे मालूम हुआ था कि वो इस वक्त गुजरांवाला के एक खास मकान में पाई जाती है? और अगर उन्हें ये सब मालूम था तो फिर उन्हें ये भी मालूम होगा कि गुजरांवाला के इस मकान में आज एक लाश बरामदे के फर्श में दबाई गई है। कुछ देर बाद शानी का ध्यान एक बार फिर उसम की बहन और बहनोई की तरफ चला गया। उसे अपने सारे जिस्म में सनसनाहट की बुलंद लहरें महसूस हुई। दिल ज्यादा शिद्दत से धड़कने लगा। क्या वो वाकई रुस्तम की बहन आपू जाहिदा और बहनोई इकराम से मिलने जा रही थी? क्या वाकई ऐसा हो रहा था? उसने रुस्तम की जबान से आपू जाहिदा के बारे में कई बार सुना था, खास तौर से शादी के बाद रोकेट बस्ती में रहते हुए रुस्तम अक्सर अपनी आपू जाहिदा का जिक्र करता था। अपनी आपू का नाम लेते ही रुस्तम की आंखों में एक मोहब्बत भरी नमी आ जाती थी। उस नमी में बेशुमार सुहानी रुतों की अनगिनत सुनहरी यादें लहरें लेती थी। रुस्तम की जबान से आपू जाहिदा के बारे में सुन सुनकर शानी के दिल में उनके लिए बहुत तजस्सुस पैदा हो चुका था। उसने एक बार फिर बड़ी हैरत के साथ सोचा, क्या इस गहर आलूद रात में इस नीम पुख्ता गांव के पुलिस स्टेशन के अंदर वो रुस्तम की बहन से मिलने जा रही है? जरा देर के लिए उसने सोचा, काश ऐसा हो, मगर फिर फौरन ही सोचा, काश ऐसा ना हो। गांव को जाने वाले कच्चे पक्के रास्ते पर उन्हें एक मोटरसाइकिल सवार हवालदार नजर आया। उन्होंने गाड़ी उसके करीब रोकी और थाने का रास्ता पूछा। नीचे को लटकती हुई बड़ी बड़ी मूछों वाले हवालदार ने उन्हें रास्ता बताया। उसकी मोटरसाइकिल के हैंडल से दो बड़े शॉपर लटक रहे थे, एक में शायद मछली का कच्चा गोश्त था, दूसरे में कागजी बादाम थे। थानों में मुसीबत ज्यादा लोग ऐसी सौगातें पहुंचाते ही रहते हैं। थानेदार साहब होंगे? शानी ने पूछा। आहो जी, थानेदार साहब सोते ही थाने में हैं, लेकिन इस वेले आप उनको तंग ना ही करें तो अच्छा है। सवेरे 8-9 बजे के बाद आ जाएं। नहीं, जरूरी काम है, शानी ने कहा और अब्बास को गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। हवालदार भी गालिबन छुट्टी करके घर जा रहा था, वो आगे बढ़ गया। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ भी उसकी अपनी आवाज़ की तरह फटी हुई थी। शानी को उम्मीद नहीं थी कि रात के इस पहर काछीवाल का थानेदार बनफसे नफीस थाने में मौजूद होगा और जाग रहा होगा। यह फरबा जिस्म और गहरे गंदुमी रंग वाला ASI अकिल गोंदल था। उसके माथे पर एक पुरानी चोट का निशान उसके चेहरे को एक करख्त वजा दे रहा था। वो थाने ही के एक कमरे में बड़ी सी चारपाई डाले बैठा था और हुक्का पी रहा था। फर्श पर मूंगफली और गंडेरियों के छिलके थे। मट्टी की अंगीठी दहक रही थी और तीन अफराद ताश से दिल बहला रहे थे। कमरे के ऐन सामने बरामदे में एक 50cc मोटरसाइकिल खड़ी थी। ऐसी मोटरसाइकिलें बगैर क्लच के होती हैं। शानी और अजमल वगैरह की बेवक्त आमद ने सब इंस्पेक्टर को बदमजा किया। उसने उन्हें बैठने का भी नहीं कहा और खड़े खड़े सवाल जवाब करता रहा। बहरहाल जब शानी ने उसे अपना तारुफ कराया तो वो बुरी तरह चौंक गया, ना सिर्फ चौंका बल्कि खड़ा भी हो गया। ओह, तो आप रंगवली की छोटी बीबी हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया जी? अजमल बोला। हो, तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया, तुम चुप करता तो बीबी साहिबा कुछ अर्ज करती ना। ओहो, मैं शर्मिंदा हूँ जी। चले आए दफ्तर में बैठते हैं, उसने टोपी अपने सर पर रखते हुए कहा। फिर अपने मातहत को झाड़ कर बोला, चलो रफाकत, खड़ा मुंह क्या देख रहा है, चल बीबी हुरा को बिठा दफ्तर में और चाय शाय बनवा। कुछ ही देर बाद शानी, अजमल और सब इंस्पेक्टर आकिल थाने के छोटे से ऑफिस में बैठे थे। आकिल काफी मरगूब नजर आ रहा था। इस गांव से रंगवली का फासला 40-50 मील से कम नहीं था, लेकिन रंगवली की छोटी चौधरानी की हैसियत से शानी की शोहरत यहाँ मौजूद थी। शानी ने कहा, आकिल साहब, मैं आपसे उन मियाँ बीवी के बारे में बात करने आई हूँ जिन्हें आपने आज सुबह सवेरे पकड़ा है।
नहीं छोटी चौहदरानी, हमने सिर्फ बंदे को पकड़ा था, उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बाद में उसकी औरत भी यहाँ आ गई, उसने बहुत शोर मचाया और धमकियां दी, मजबूरन उसे भी बंद करना पड़ा है। बंदा कहाँ है, शानी ने पूछा। आकिल ने अपने मातहत से कहा, ओए रफाकत अली, लेकर आओ उस शरीफे को यहाँ, और हथकड़ी नहीं खोलनी, खतरनाक बंदा है। हेड कांस्टेबल रफाकत अली एक कांस्टेबल के साथ लॉकअप की तरफ चला गया। आकिल ने बगैर क्लच वाली मोटरसाइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मोटरसाइकिल बरामद हुई है जी, इससे इसका चेसी नंबर और कागजात शागजात सब जाली हैं। 2 महीने पहले इसकी चोरी की रपट भी दर्ज हुई है। इसी दौरान में 2 कांस्टेबल एक दराज कद शख्स को धकेलते हुए अंदर ले आए। उसे हथकड़ी लगी हुई थी और चेहरे पर ताजा चोटों के निशान थे। रुस्तम ने शानी को बताया था कि उसके बहनोई इकराम का एक बाजू दुश्मन की भेंट चढ़ चुका है। उसने मुखालिफ पार्टी की एक बदतमीज औरत को थप्पड़ जड़ दिया था, बदले में उसका हाथ ही काट डाला गया था। शानी ने अंदर आने वाले हवालाती के बाजू देखे, उसकी रगों में खून सनसना गया। यही रुस्तम का बहनोई और आपू जाहिदा का शोहर था। उसका दूसरा बाजू नदारत था, वो सीना ताने खड़ा था और जलती नजरों से थानेदार को घूर रहा था। यूं लगता था कि उसने खुद पर बेपनाह जब्त कर रखा है। अगर वो अपने अंदरूनी गजब को आजाद कर देता तो शायद यहाँ खून रेस हंगामा शुरू हो जाता। ओए नजरें नीचे कर, थानेदार आकिल गर्जा, मैंने किसी की बहन को अगवा नहीं किया है। हवालाती भी जवाब में धाड़ा, ओए तेरी तो, थानेदार फनकारा और तड़प कर खड़ा हो गया। शानी दोनों के दरमियान आ गई। नहीं आकिल साहब, आप हौसले से काम लें, वो पूरी तरह डट कर बोली। आकिल जरा ढीला पड़ा तो शानी ने हवालाती को डांटा, मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आई हूँ, आप मामले को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जरा होश से काम लें। सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी आई तो शानी ने दरख्वास्त करके हवालाती को लॉकअप में वापस भिजवा दिया। उसे 95% यकीन हो चुका था कि यही हवालाती रुस्तम का बहनोई है। मैं इसकी बीवी से मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ है? थाने के पिछवाड़े है, लेडीज अहलकारों के पास, आकिल ने जवाब दिया। शानी ने कहा, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। थानेदार आकिल ने पहले तो पसोपेश किया मगर फिर इजाजत दे दी। शानी और अजमन थाने के पिछवाड़े वाके क्वार्टर नुमा कमरों में पहुंचे, साथ में हेड कांस्टेबल रफाकत भी था। फिर रफाकत और अजमल खान तो बाहर खड़े रहे और शानी एक लेडीज कांस्टेबल के साथ क्वार्टर में चली गई। यहाँ मौजूद दूसरी लेडी कांस्टेबल देहाती लिबास में लोहे की चारपाई पर फैलकर सो रही थी। इस दूसरी कांस्टेबल ने जागने के बाद शानी को फौरन पहचान लिया और कदरे मुअद्दब नजर आने लगी। हवालाती कहाँ है, शानी ने पूछा। आओ जी मेरे साथ, उसने चाबियों का गोछा पकड़ा और अपने भारी जिस्म को हलकोरे देती शानी के आगे आगे चल दी। उसने बंद कमरे का दरवाजा खोला, सामने चटाई पर 3 औरतें लेटी हुई थी। एक बिखरे बालों वाली कोई नशई औरत थी, दूसरी एक 30-35 साल बहेशतन दिखाई देती थी, तीसरी औरत पर शानी की निगाहें जमकर रह गईं। वो 35-36 साल की एक दराज कद कबूल सूरत खातून थी। शानी ने इससे पहले उन्हें नहीं देखा था लेकिन एक ही लम्हे में वो उसे पहचान गई। यही रुस्तम की बहन आपू जाहिदा थी। बहन की शक्ल में अपने भाई की कई मुशाहबतें पाई जाती थीं।